अबे भाई तू क्या सोच रहा है? भाई मैं सोच रहा हूँ कि सांप बेरोजगार हो गए, अब आदमी काटने लगे, कुत्ते भी बेचारे क्या करें, फलवे भी अब आदमी चाटने लगे। ला 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 ला। अच्छा दोस्त जिंदगी को जन्नत बनाता है, इसीलिए मेरी कदर किया करो सालो, वरना कहते फिरोगे। भाई तुझे पता है मैं किस टाइप का इंसान हूँ? भाई किस टाइप का इंसान है? या तो मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगा, या फिर कुछ ऐसा बोल दूंगा कि तू मुझसे कुछ नहीं बोलेगा। कोई फर्क नहीं कर रहा ये कोरोना, आज इंसान और इंसानियत दोनों वेंटिलेटर पर है। ये जो रिश्तेदार बार बार फोन कर रहे हैं ना कि बच्चों को बाहर मत निकलने दो, बच्चों को बाहर मत निकलने दो, ठीक है अंकल हम बाहर नहीं घूमेंगे। हाँ अंकल समझ सकता हूँ, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, पर ये जो आप खुद बाहर घूम रहे हो ना, ध्यान रखना आपको साथ लेके ना गुजरे। जिससे प्यार करो अगर उसे पा लिया जाए तो इसे किस्मत कहते हैं, और जो किस्मत में ना हो फिर भी उससे प्यार करो उसे सच्ची मोहब्बत कहते हैं। ये जो आप लोग जरा सी वीडियो देख के चले जाते हो ना यार, वीडियो को पूरी देखा करो, क्या पता मजा एंड में है। भाई ये सभी को किस्सा बता इनको। हाँ भाई अभी ना दो लोग बार में बैठ के ना खुल शराब पी रहे, पिए जा रहे। भाई फिर क्या हुआ? भाई फिर पीते पीते वो इतना टुल हो गए ना कि पहले वाले ने दूसरे वाले को कहा कि भाई एक बात बोलू, मुझे ना तेरी माँ बहुत अच्छी लगती है, इस उम्र में भी उसकी अदाएं। भाई फिर पूरे बार में सन्नाटा हो गया, सब खड़े हो गए, सबको लगा कि अब इन दोनों को होगा झगड़ा। भाई कोई अपनी माँ के बारे में थोड़ी सुन सकता है यार। हाँ यार फिर दूसरे वाले ने पहले वाले को क्या कहा? फिर दूसरे वाले ने पहले वाले का हाथ पकड़ा और बोला कि बहुत देर हो गई, घर चलो पापा। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप किसी शरीफ दिखने वाले हरामी इंसान को जानते हो? मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। माँ एक ऐसी बैंक है जहां हम अपनी सारी भावनाएं और अपने दुख जमा कर सकते हैं, और पापा, पापा एक ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी आपके सपने पूरे करने की पूरी कोशिश करते हैं। खुशी की राहों में गम ही गम मिले तो क्या करें, वफा की राहों में बेवफाई मिले तो क्या करें, जिंदगी को कैसे बचाएं इन धोखेबाजों से, कोई हंसकर धोखा दे जाए तो क्या करें। और इस दिल में क्या रखा है। गम नहीं अगर कोई समझ ना सका मुझे, मैं फुर्सत की चीज हूं और ये जमाना जल्दबाजी में है। यार भाई तूने एक चीज नोटिस करी? भाई क्या? जब से कोरोना आया है टीवी पे वाली एड नहीं आ रही। भाई कौन सी? पास आओ पास आओ। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। मैं समझा था तुम हो। भाई ये चाइना वाले ना कुछ भी कर सकते हैं। भाई ऐसा क्यों? भाई ये खूबसूरत वर्ड था पॉजिटिव, हाँ उसे भी नेगेटिव कर दिया। आजकल के जमाने में आपकी जिंदगी क्लियर हो या ना हो, पर आपका फेस जरूर क्लियर होना चाहिए। खूबसूरत बात है तुले। कल तक पैसे की हवा थी, आज पैसे की हवा है। भगवान है कहां रे तू। सुनो
मास्क लगाओ या मत लगाओ, यह आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखना, गवर्नमेंट के लिए आप सिर्फ एक केस हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हो। फैसला आपके हाथ में है। क्या हो गया भाई, तू क्या सोच रहा है? यार भाई, हमारे देश में से ना अगर वन साइडेड लवर्स को अलग कर दिया जाए तो उनका अपना देश बन सकता है, पर मैंने तो उनके देश का राष्ट्रगान भी सोच लिया। भाई क्या राष्ट्रगान होगा? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। लास्ट बेंच थी और हम दोस्त थे चार। आज सबके पास साइकिल और मेरे पास हम उठा। क्या कर रहा है? और क्यों मार रहा है? जल्दी साफ कर, जाना है मेरे को। जी सेठ जी, जल्दी कर। सुनो, मास्क लगाओ या मत लगाओ, यह आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखना, गवर्नमेंट के लिए आप सिर्फ एक केस हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हो। फैसला आपके हाथ में है। एक सफर खास हो, जिगरी दोस्त साथ हो, रास्ता खूबसूरत हो और मंजिल केदारनाथ हो। मौत का भी समय बदल गया, ना तुलसी ना गंगा जल, ना किसी के कंधे का सहारा, ना विश्राम ना राम राम, सीधा पैकिंग और शमशान। कड़वा सच, माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, जीने के लिए सोचा ही नहीं। पैसे कमाने पड़ेंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने। आज एक पढ़े लिखे लड़की का स्टेटस देखा, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। पता है उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था, ना मैं शादी करूंगी ना अपने बच्चों करने दूंगी। भाई कहाँ हो तुम 10 दिन से यार? यार भाई बहुत परेशान चल रहे हैं यार। भाई क्यों परेशान है, क्या हो गया? यार इनके लड़का हुआ और फिर... भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, परेशान क्यों है? अरे भाई पूरी बात तो सुन, इनके घर पे पंडित जी आए ना, तो उन्होंने बताया कि वो लड़का सबसे पहले जिसका भी नाम लेगा ना वो मर जाएगा। तो भाई उस बच्चे ने किसका नाम लिया? भाई उसने बोला पापा। तो भाई ये तो जिंदा है। पर भाई इनका पड़ोसी मर गया ना। और भाई मुझे भी अपनी तबीयत कुछ कुछ खराब लग रही है। ओ भाई मुझे भी। बेहिसाब झूठ कहा तो खुदा मान बैठे, और जरा सा सच बोल दिया तो बुरा मान बैठे। तड़पाती है तेरी बातें और यार। माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी मेरी जिंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही कहूंगा कि मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी जिंदगी में आने के लिए। यार भाई मेरे ससुर जी भी ना बेकार आदमी है यार। भाई क्या हो गया? भाई मुझसे कहते दामाद जी 6 साल में 6 बच्चे, ये क्या तरीका हुआ? भाई तरीका तो बिल्कुल गलत है, लेकिन तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा ससुर जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि गरीब जरूर हूँ, पर आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। पूछ रहा हूँ 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं। बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 फूटे 100 तो 170 कैसे? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे? यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई तेरे भाई का आज ब्रेकअप हो गया। बाप ने समझाई दुनिया तो माँ ने सुनाई कहानी है। इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन माँ बाप को दुनिया दिखानी है। यार भाइयों माहौल इतना खराब है आजकल, यार टेंशन सी हो गई है, कब सब कुछ ठीक होगा? हाँ यार मेरा तो कभी कभी मन करता है कि बस सब छोड़ के सुसाइड कर लूँ। हाँ यार, यार भाई मन तो मेरा भी यही करता है, पर दिल कहता है नहीं यार, माँ बहुत रोएगी। इतना भी मुश्किल नहीं है तुम्हारे बिना ये सफर। इनफैक्ट अब ज्यादा खुश हूं मैं, वरना एक टाइम तो ऐसा लगता था कि तुम ही हो, अब तुम ही हो।
तेरे बदलने का गम नहीं है मुझको, मैं तो अपने जिंदगी जीने का टाइम था तो सोचते रहे चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। अब बीमारी ऐसी आई है कि तू कुछ समझ नहीं पाएगा, जिनके बारे में जिंदगी भर सोचता रहा ना उनमें से एक भी अब देखने नहीं आएगा।